चल ठीक है, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर जर्नी। ठीक है, धन्यवाद। दोबारा कर नहीं सकता गेरुआ में। आज 23वां दिन है और भाई मैं सहारनपुर में जा रहा हूँ भाई, जहाँ से स्टार्ट कर रहा था। तुम्हारी कसम इतनी ज्यादा खुशी है ना। नमस्ते YouTube फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम मोहित चौहान, मैं निकला हूँ भारत भ्रमण साइकिल यात्रा पे। मैं सहारनपुर से 5 अक्टूबर को चला था। सो गाइस, आज 28 अक्टूबर है और भाई मुझे शाम के 4 बजे तक सहारनपुर पहुंचना है और मैं फिलहाल हूँ चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ से सहारनपुर है 150 किलोमीटर। पहले दिन भी मैं इतना चला था और मुझे आज भी इतना ही चलूँगा। बस थोड़ा सा ये है कि टाइम 4 बजे तक मुझे वहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि मैंने सबको बोल रखा है कि 4 बजे तक मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। मुझे कैसे भी करके आज 4 बजे तक वहीं पे पहुँचना है। टाइम रखना बहुत बड़ी बात होती है भाई। और भाई मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मैं सोचा था कि 4 बजे चलूँगा पर पूरा 1 घंटा लेट हूँ मैं। अब यहाँ से 5 बजे निकलूँगा। शेरनी को भी भाई पूरी तरीके से रेडी कर दिया है, बस अब निकलने की तैयारी है। चलो भाई, अभी तक कोई नहीं उठा है, मैं ही उठ के जा रहा हूँ। अब ये नहीं, अब कहाँ आ गया मैं। कॉलोनी से तो निकल गया, अब आ गए रोड पे। सामने रोड है भाई, लोग बस एक ही केला खाया है सुबह के टाइम, कुछ नहीं खा रखा है। और भाई 4 केले बैग में पड़े हैं बस, और कुछ नहीं है। रास्ते में देखूंगा कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो चलते रहेंगे भाई। लोग जाना तो था इस साइड और मैं अपोजिट चला गया भाई, 6 किलोमीटर का वो पड़ गया फर्क। अबे यार, आज के दिन सब कुछ छोड़ना था क्या? तो भाई लोग दिन निकलने वाला है, दिन निकलने से पहले अम्बाड़ा पहुंचना है। अम्बाड़ा रह गया है यहाँ से 27-28 किलोमीटर के आसपास। तो भाई जितनी जल्दी हो सके अम्बाड़ा पहुंचना है, फिर तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर निकलते अपनी यात्रा पे। दिन निकल चुका है भाई और पसीने में ना पूरी टी शर्ट गीली हो गई है। हाँ, अम्बाड़ा में एंटर कर चुके हैं भाई। लग गई बहुत तेज धूप, पेट में दर्द होने लग गया भूख की वजह से। बहुत भूख लग रही है। तो भाई एक अब गर्मा गर्म चाय पी के और बेकरी वाले बिस्किट खा के अब निकलेंगे यहाँ से। जिसे भी साइकिल पर देखता हूँ ना भाई साहब, मन को ना खुशी मिलती है अलग लेवल की। सहारनपुर अब यहाँ से 86 किलोमीटर दूर है, तो जितना हो सकता है ना सुबह के टाइम मैं साइकिलिंग करूँ, क्योंकि भाई दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पसीना आता है पूरी बॉडी पे। तो जितना हो सकता है अभी खींचूँ, फिर उसके बाद शाम के टाइम तो 4 बजे तक मुझे वहाँ पे पहुँचना है। यमुनानगर 32 किलोमीटर, आर्मी के ट्रक जा रहे हैं। नहीं, मेरे छोटे भाई मिले मुझे। तो नाम क्या भाई? अभी भाई बहुत प्यारा बच्चा है भाई। तो इस टाइम भाई मौलाना मैम, और मौलाना से कितने किलोमीटर दूर होगा सहारनपुर? अच्छा, यहाँ का नहीं है, कहाँ से है? यमुनानगर। अच्छा, यमुनानगर। यमुनानगर कितनी दूर है? यहाँ पे 10-11 किलोमीटर। तो भाई यमुनानगर 10-11 किलोमीटर है, तो कोई बात नहीं भाई, उसे भी कवर करेंगे। तो भाई लोग अब मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ की लड़की से मिलने, वो यहीं पर ही मौलाना में पढ़ती है। अगर मिल के नहीं गया फिर भाई दिक्कत हो जाएगी, फिर वो कहेगी मुझसे मिल के नहीं गया। तो भाई मिल के जाऊंगा, तो उसके बाद निकलते हैं। नहीं, तो भाई आज ये अपने बर्थडे पार्टी देगी। बट तो परसों तो था, तो दावत तो आ जाएगी। तो बन के चैनल मोनेटाइज होगा जी, होगी जर्नी तो अभी स्टार्ट करी पूरी का हुई। तो भाई लोग अपने आ गया पास्ता और पिज्जा। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे दावत होगी भाई। चल ठीक है, कांग्रेचुलेशन फॉर योर जर्नी। ठीक है, धन्यवाद। दोबारा कर नहीं सकता तो गेरुआ में। कांग्रेचुलेशन फॉर योर जर्नी एंड फॉर योर 1K सब्सक्राइबर। थैंक यू। बट यू शुडंट गिव मी पार्टी। चल पार्टी पार्टी नहीं, अब वहाँ को चली जाए। चल अब मैं जा रहा है सहारनपुर, जा रहा 70 किलोमीटर दूर है। हाँ ठीक है, ओके ओके बॉस भाई। ये भाई भी जा रहा है कहीं। क्या हाल है विनोदर, कहाँ पे है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का आप कहाँ के हो? मैं तो सहारनपुर से हूँ, लद्दाख हो गया है। तुम कहाँ जा रहे हो?
रहा है केदारनाथ। अरे बहुत बढ़िया। तो भाई लोग अब हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं और अपनी यूपी में एंटर करने वाले हैं बस थोड़ी देर में। तो भाई लोग यहाँ से सहारनपुर है 25 किलोमीटर। अब भाई नु कह रहा है तुझे देख का गाड़ी रोक दिया रे भाई, मजा आ गया भाई, दिल जीत लिया भाई रोड ने। भाई मन खुश हो गया यार उस बंदे से मिल गया कि भाई उसने बोला कि भाई तुझे देख का गाड़ी रोकी, क्योंकि तुझे इंस्टाग्राम पे, तुझे भाई साहब यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो करूँ, भाई दिल जीत लिया यार, खुश हो गया, पहली बार कोई बंदा मिला। तो भाई लोग यहाँ से ना फ्लाईओवर दिख रहा है सहारनपुर वाला, तो भाई जान में जान आ गई तुम्हारे भाई के, क्योंकि भाई पूरे 23 दिन, आज 23वां दिन है और भाई मैं सहारनपुर में जा रहा हूँ भाई, जहाँ से स्टार्ट कर रहा था, तुम्हारी कसम इतनी ज्यादा खुशी है ना, मजा आ गया स्वाद भाई, जो खुशी है ना तो बता नहीं सकता भाई, महीना हो गया और मैं आज जा रहा हूँ भाई। कहाँ जा रहे हो? अच्छा चल भाई गांव में चलिए, तो और क्या, घर आने के बाद भाई अपनी गाय भी आ गई है। मम्मा क्या दिया? है बछिया है। बछिया तो भाई लड़की आई है भाई। तो फाइनली गाइस मैं सहारनपुर पहुंच गया, पूरे 23 दिन बाद मैं सहारनपुर पहुंचा हूं, और भाई इस जर्नी में ये लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, प्यार भी दिया। जब मैं सहारनपुर चुंगी पर पहुंचा सहारनपुर, तो भाई मज़ा आ गया, कुछ जो मेरे भाई थे वे लोग आए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद कल मैं अपने घर जाऊँगा, यहाँ से 80 या 90 के आसपास पड़ता है शामली के पास मेरा गाँव है जसाला, तो वहाँ पे जाऊँगा। और भाई सच बताऊँ तो इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि भाई मैंने अभी स्टार्ट किया है भाई, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। सो गाइस इस वाले व्लॉग को तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।